चलिए चलिए, सब लोग बीच में खड़े मत हो, क्या भीड़ लगा रखी है यहाँ पर। चलो अपनी गाड़ी वहाँ लगाओ। चलो नविता, छुट्टी नहीं मिल रही यार। ए, क्या है? एकदम चिकनी है तू। तू इतने दिनों से मेरी आंखों से कहाँ बची हुई थी। चलेगी मेरे साथ? आज आप लोगों के सामने जिन्हें डॉक्टर की पर्ची दी जा रही है वो गरीबों के मसीहा भी हैं, एक भले इंसान करुणा के सागर है, साथ ही महिलाओं के रक्षक भी हैं। ऐसे इंसान हजारों साल जिए ताकि महिलाओं की रक्षा। तुझे बचाने कौन आएगा? मैं हूँ प्रभाकरन। बच्चों, मैं ईश्वर मूर्ति हूँ। नया IPS तू ही है क्या? हाँ। सुना है हमारी लारियों को चेक करें? चेक मत करना, मेरे लड़के बहुत गुस्से में, संभल के अगली बार जब गाड़ी आएगी तो कहीं ब्रेक ना फेल हो जाए। लेकिन मैं अपना ऑफिस को क्या जॉब दूंगा? hey, पांचों लारियों को ऐसे ही देख के भेज देना। जी अच्छा, हवलदार ऊपर नीचे देख कर जाओगे। okay, सर। अक्लमंद हो, बहुत जल्दी समझ गए। hey? सर, आपके कहे मुताबिक मैंने सब चेक किया है। पूरा चेक किया? सब रेडी है। तो ब्लास्ट करो। यहीं पे सबके सामने, सब अपने आंखें बंद कर लो, मैडम आज मुझे खुश करने वाली है। साले। डालो डालो। साले। आप आया हाथ में? मिर्ची कम है। तेरी तो? नमक भी कम है। अब मिला है तू? छक्की का दूध याद दिला दूंगी तुझे। और दूध सर? काफी नहीं, आओ डालो। लीजिए। तुझे तो सारा में गरम मसाला कम है, आओ डालो। मार डालूंगी तुझे। देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा। आज तो तुमने मुझे मार दिया लेकिन पछताओगे। प्लान करके मारे तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। सर बड़ी हंसी है, छोड़ दीजिए। डरते हो क्या? हवलदार, पुलिस को डरना नहीं चाहिए, और डरने वाले की पुलिस में जरूरत नहीं। पुलिस वाला लेफ्ट राइट करके परेड में सिर्फ सैल्यूट करने वाला नहीं होता। कौन राइट कौन रॉन्ग है मुझे मालूम है, वो रॉन्ग है, मैं राइट हूँ। कार्रवाई के लिए ना कोई EP कोट है ना PP कोट है, सिर्फ प्रभाकरन का पिनल कोट है। इसने मेरे भाई को अंदर डाला। छोड़ ना मत उसे। तू है क्या? तू है क्या? तू है क्या? इतनी मस्ती चढ़ गई, मेरे भाई को अंदर डाला। छोड़ दो मुझे, मैं अपने बाप से कुछ नहीं बोलूंगा, छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है। दूसरे वार्ड में देखते हैं चलकर। अबे छोड़ ना, मेरे बेटे को यह अनाथ की तरह लिटा दिया। राज पांडे। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा बेटा कहाँ है? नहीं मालूम, मैं रेस्ट ले रहा था, ये फल दिया खाने को। बॉस, राज पांडे यहाँ है। मेरा बच्चा बंद करो, डैडी आ गए। बॉस देखिए राज पांडे की क्या हालत कर दी, देखिए ना मजबूर हो गया। बच्चे क्या हो गया? किसने अनाथ की तरह लिटा दिया? मेरे बच्चे को क्या हो गया? क्या हुआ तुझे? किसने तेरा ये हाल किया? दर्द हो रहा है पापा, एक लॉकअप में मेरे को रख के एक औरत के हाथों से मेरी बहुत पिटाई करा दी। यहाँ से जाने वाले कोई भी हो, उनके जन्मदिन में मुझे फोन करते हैं या लेटर भेजते हैं, मुझसे आशीर्वाद लेते हैं। तुम्हारी बहना की जगह जब से बदल दी गई कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तुम भी रोज आकर उसे तलाश कर रहे हो, बट नो इन्फॉर्मेशन। इसका कारण तुम पे रखी गई नफरत है। वो जहां कहीं भी रहे लेकिन तुमसे नहीं मिलना चाहती। चल रे, चल। आ।
ए, मेरे बेटे पर हाथ उठाती है। आज यहाँ पब्लिक में जो तेरा हाल होगा उसे देखकर जो डर लोगों में पैदा होगा वो उनके पुष्टों तक याद रहेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बेटे मेरे पोते को देखकर भी डरेंगे। हाँ, मारने वाले को देख के सब डरते हैं। अपराधियों को शक्ति मिल जाए तो कोई सामने नहीं आता, बल्कि सब उसे सलाम करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा लच्चे। अपने बाप की औलाद है, अपना घमंड, चर्बी और बाहुबल इनके सामने दिखा। ईश्वर मूर्ति, तुम बड़ा तोप नहीं हो, तुमसे बड़े बड़े तोप को मैं उड़ा चुका हूँ। तुझे खबरदार कर रहा हूँ, तू गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती। धमकी दे रहा क्या? तुझे जो चाहे कर ले, मुझे डर नहीं है। बचपन से ही अच्छा क्या है या बुरा क्या है मेरे को मालूम है, बस एक ही चीज नहीं मालूम है, डर। डर क्या है ये मैं नहीं जानता। क्या बात है, तू सबको डराता है? अच्छा, तू मुझे डरा के दिखा, दिखा, दिखा। क्यों रे, डराने के बदले पीछे जा रहे हैं? तेरा तेरा दो दिन के अंदर ट्रांसफर करवा दूंगा। डिपार्टमेंट कई बार मेरा ट्रांसफर कर चुका है। जहाँ तू जैसे लोग होती हैं वहीं मेरा पोस्टिंग होती है। ये मेरा ट्रांसफर ऑर्डर, पर जाने से पहले तेरा सर्वनाश करके जाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे साथ जीने के लिए तू क्या मेरा दोस्त है या मेरी वाइफ है? आज के बाद तेरा खेल खत्म। आज तक इन लोगों को तूने डराया ना, आज तुझे दिखाऊंगा कि डर होता क्या है। 10 मिनट के अंदर तेरे बदन की हालत क्या होती है देख, गुनाहों से बाज आ जाएगा तू। तुझे देख लूंगा। आपका ट्रांसफर कब होगा सर? काली लिफाफा है मूर्ख, अंदर कुछ नहीं है। मुझे डर आ रहा है, 10 मिनट में है, वो मुझे कैसे डराएगा? भूत आया कह देने से तुम बच्चे नहीं हो डर जाने को। मेरा बच्चा। हेलो, हे पांडे, तू हॉस्पिटल में ही है ना? नहीं, एक फॉरेन मैडम के साथ पब में पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ। पब में? ए, अभी से बात कर, मैं कोई ऐसी ऐसी नहीं हूँ। पब में क्यों गया? मेरी हालत तो आपने देखी है ना, फिर कैसे पूछने कि मैं हॉस्पिटल में कहीं और हूँ? वो बात नहीं है, तेरी खैरियत पूछने के लिए किया। पापा, आप टेंशन में क्यों हो पापा? टेंशन? अब नहीं नहीं नहीं, अब चुप, ऐसे ही, अब तू अपना ख्याल रखना। ओके पापा। हेलो, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। ए, वो कौन होता है मुझे टाइम फिक्स करने वाला? ए, सुनना, तुझे क्यों पसीने छूट रहा है? तुम्हें भी तो पसीना आ रहा है। ओ, ए, ये डर कैसे शुरू होता है? डर की बात है, इसीलिए तो डरा रहा हूँ। जीजा जी, एक ही मिनट है, एक ही मिनट।